वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम एकदम साधारण तरीके से बिस्किट का एक मिठाई बनाएंगे जो आप झटपट बना सकते हैं 10 मिनट में। आपके घर आपके भाई रक्षाबंधन पर राखी बनवाने आ रहे हो, 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बिस्किट का बना हुआ मीठा है। तो इस तरह का कोई बिस्किट आप ले सकते हैं। मेरा ये 250 ग्राम बिस्किट है, पार्ले या कोई भी ऐसे ले सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा दूध 50 ग्राम, कोको पाउडर है, थोड़ा सा घी लेंगे और ये पिसी हुई चीनी है लेंगे। और ये मिठाई बहुत टेस्टी होती है, रक्षाबंधन पे आप जरूर बनाएं इसे। इसे हम बनाएंगे, पहले इसे हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे बिस्किट को। बिस्किट को हम तोड़ के थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे। इस तरह से हम सारे बिस्किट को तोड़ लेंगे। बिस्किट को तोड़ थोड़ा छोटा कर लिए, अब इसमें डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम पीस ले रहे हैं। बिस्किट को हम ग्राइंड कर लिए, पाउडर बना लिए, अब इसको छान लेंगे। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, चीनी डाल के छान लेंगे। जो चीनी का मोटा दाना होगा उसे भी निकाल लेंगे। मोटा पार्ट रह गया, इसे हम हटा दे रहे हैं। इसको चीनी और बिस्किट के पाउडर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आधे में हम कोको पाउडर मिला देंगे, आधा बिस्कुट का पाउडर ऐसे रहने देंगे। आधा हम इसमें निकाल ले रहे हैं, बिस्किट का जो पाउडर है आधा निकाल लेंगे इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच कोको पाउडर मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा कोको पाउडर ना डालें, नहीं तो कड़वा लगेगा। इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे बिस्किट पाउडर में। हाथ को हम पोंछ लिए पहले धोकर। अब इसको हम हाथ से डो बना लेंगे, पहले मिक्स कर ले रहे हैं। और इसमें हम घी डालेंगे 1 चम्मच। घी डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर ले रहे हैं। इसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे, जरूरत पड़ेगी दोबारा से डाल लेंगे। और आटे की तरह हम तो तैयार कर ले रहे हैं। हम एकदम चिकना डो तैयार कर लिए कोको पाउडर का, बिल्कुल ऐसे रगड़ का आप चिकना डो तैयार कर लें। इसका एकदम चिकना डो बना लिए, डो तैयार हो गया है। अब इसको हम इस कटोरी में रख देंगे। अब ये जो दूसरा पार्ट बचा के रखे थे बिस्किट का, उसको भी हम डो की तरह तैयार करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल ले रहे हैं। इस घी को डाल ले रहे हैं, इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर ले रहे हैं अच्छी तरह से हाथ से। अब इसमें भी हम 2 चम्मच दूध डालेंगे, जरूरत पड़ने पर दोबारा से डाल लेंगे। दूध डालकर हम अच्छी तरह से इसका भी डो तैयार करेंगे। इसका भी हम चिकना डो बनाकर तैयार कर लिए, रख ले रहे हैं मैं कटोरी में। एक कोको पाउडर का डो तैयार किए हैं, इसको सादे बिस्कुट का डो तैयार कर लिए। अब दोनों को हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे। छोटी सी लोई लेंगे, ऐसे गोला बनाएंगे, चिकना गोला बनाएंगे हथेली पे रखकर। ऐसे एक और बना के दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा गोला बनाया, बड़ा न लें। ऐसे हम ये जो कोको पाउडर का डो रखे हैं इसमें से भी तोड़ेंगे, इसमें से ऐसे गोले बना लेंगे छोटे छोटे। एक गोले और बना ले रहे हैं इसका भी। ऐसे बनाकर हम इनका गोला बना के रख ले रहे हैं। दोनों डो का हम गोला बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम बना कर दिखाएंगे आप सबको। अब इसको हम बना कर दिखाएंगे। 3 गोले हम ये
कोको पाउडर भी लेंगे, 3 इसका लेंगे जो सादा है बिस्किट का, इसको ऐसे हम सेंटर में लगा लेंगे एक दूसरे के साइड में। फिर इसको हम हाथ से दबाएंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। इस तरह से सेंटर में लगा के एक के बगल में दूसरा लगा दिए हैं चॉकलेट वाला। अब इनको हम ऐसे हाथ से प्रेस कर रहे हैं, ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हाथ से थोड़ा दबाते हुए इनको ज्वाइंट कर दें दोनों कलर का। फिर हथेली भी लेकर थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लें, दोनों कलर दबा देंगे तो ये खुलेगा नहीं। साइड से भी नीचे की तरफ से दबाएं, थोड़ा ऐसे हथेली से प्रेस कर दें जैसे पेड़ा का आकार देते हैं आप, ऐसे थोड़ा हाथ पे घुमा लें इस तरह से, थोड़ा सा प्रेस करें अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लें ताकि खुले ना। हथेली से दबाएं थोड़ा सा, हाथ पे रख के ऐसे थोड़ा रोल कर लें। ये बन गया अच्छी तरह ज्वाइंट हो गया। ऐसे झारा लेंगे, अगर आप चाहो तो ऐसे झारा लेकर इसे डिजाइन बना लें। थोड़ा सा हल्का सा दबाएं, इसमें अच्छी डिजाइन बन जाती है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे प्रेस करें, ऐसे डिजाइन लाइन सी बन जाती है। बिस्किट के चॉकलेट पेड़ा हम बनाकर तैयार कर लिए। अगर आप चाहें तो इसमें घी की जगह थोड़ा सा मावा डाल सकते हैं या मिल्क मेड डाल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं डाली कि इस सरल मिठाई आपको बोले थे कि हम एकदम सरल तरीके से बनाएंगे। आप एक पैकेट बिस्किट लाएं, चॉकलेट पाउडर डाल के झटपट 10 मिनट में बनाएं और आपके भाई पहचान नहीं पाएंगे चॉकलेट पेड़ा कैसे बना है। आपसे पूछेंगे जरूर इसके बारे में। और हमारा ये चॉकलेट पेड़ा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अपने अनुभव को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, भूलना नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि मेरी नई रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच जाए।